गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डीएक्स अनुभव यूट्यूब चैनल। आप इस टाइम देख रहे हैं डीएक्स अनुभव यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर किसी को किडनी की समस्या हो, मतलब किडनी के अंदर काम नहीं कर रहा, सुकड़ गया है, तो उसको जल्दी में आप काम में लाने के लिए क्या करें। देखिए, फर्स्ट में कोई डॉक्टरी इलाज, डॉक्टरी सलाह तो आपको लेना ही है, उसके साथ साथ में आपको सिर्फ ये काम करना है। ये देखिए, ये क्या है, ये कोर्टिसिप कॉफी है। इस कोर्टिसिप कॉफी को आप पिलाइए दिन में 3 पाउच, ज्यादा कम से कम 1 पाउच दिन भर में 3 बार, ठीक है। इसको पिलाने से ये होगा, किडनी काम करना शुरू कर देता है। कोर्टिसिप टैबलेट मिल जाए, कैप्सूल मिल जाए, तो और भी बहुत जल्दी काम करता है। पर इंडिया में नहीं है, ठीक है, वो बाहर से मंगाने पड़ते हैं, पर इंडिया में मिल जाता है, पी भी नहीं मिलता उसका। अच्छा, 1 महीने जब इसको पिला देंगे तो इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप RGGL चला दीजिए, क्योंकि RGGL महंगी है। महंगी होने के नाते लोग, जब तक वो सही होने तक में आदमी जो है ना, क्या होता है, परेशान हो जाता है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए पहले कोर्टिसिप कॉफी दीजिए और ऋषिकेनो टी दे दीजिए, कुछ दिन तक चलने दीजिए, ठीक है। 1-2 महीने के बाद RGGL दे दीजिए, बहुत जल्दी किडनी पेशेंट सही हो जाता है। उसके साथ साथ में हमारा डीएक्शन कंपनी का बहुत लोग नोनी जूस भी देते हैं, आप भी दे सकते हैं, नुकसान नहीं है। हाँ, किसी और कंपनी के नोनी जूस मना करते हैं, क्या पता उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हों जिसलिए मना करते हों। बहुत सारे कंपनियों की स्पाइरुला में लिखा होता है 5-6 साल के बच्चों को ना दें। बहुत सारे टूथपेस्ट में होता है कि 5-6 साल के बच्चे को ना दें तो अपने बड़ों की निगरानी में दें, थोड़ा सा दें, क्योंकि वो उसमें डर होता है, 100% वो सुरक्षित नहीं। हमारा है डीएक्शन कंपनी का, तो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप वाकई में किडनी के प्रॉब्लम में हैं तो इस नुस्खे को आजमाइए। हाँ, इंग्लिश दवाइयाँ, डॉक्टरी सलाह वगैरह सब जरूरी है, लेते रहिएगा, वो डॉक्टर की इलाज अपने हिसाब से चलते हैं इंग्लिश दवाइयाँ। और हमारा जो डीएक्शन का है उसमें सपोर्ट करता है। सपोर्ट क्या करता है, 2 प्रकार के, एक तो इलाज करने में जल्दी होता है, इलाज जो है ना, इंग्लिश दवाइयाँ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जब हम दवाई लेते हैं उसके साथ इसको हम लेते हैं तो जल्दी आपको आराम मिलता है, जल्दी आप सही होंगे, ठीक है। अगर सिर्फ यही लें तो भी आपके लिए अच्छा नहीं, सिर्फ इंग्लिश दवाइयाँ ही लें तब भी सही नहीं है, तो इसको जरूर साथ में रखा कीजिए, मतलब डीएक्शन के प्रोडक्ट को। और दूसरा काम यह करता है कि इंग्लिश दवाइयों का जो साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है उससे ही रोकती है, समझे ना, ये एक फायदा है, को साइड इफेक्ट को बचाए रखती है, सारे अंग हिस्से सही रहते हैं। और जब भी किसी भी पेशेंट को दें तो आप एक कागज में लिखवा लीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश दवाइयों के साथ साथ में ही डीएक्शन प्रोडक्ट यूज करना, वरना मत करना। बहुत सारी कंपनियों की दवाइयां लाते हैं, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, वो तो साफ मना कर देते हैं कि सर जी सब दवाई बंद, सिर्फ हमारी खाओ। जब वो 6 महीने खाता है नहीं कुछ होता तो वो गाली देता है, डायरेक्ट सेलिंग बदनाम करती है। और डीएक्शन कंपनी वाले भी, आप लोग ध्यान दें, किसी को भी ओनली डीएक्शन प्रोडक्ट नहीं देना, उसकी ट्रीटमेंट अंग्रेजी दवाई या होम्योपैथी या जिस बहाने से भी हो रही हो उसके साथ में ही इसको चलाना, ठीक है। और उसको कहना ये सपोर्ट करेगा जल्दी इलाज करने में और साइड इफेक्ट को ये रोकता रहेगा, ठीक है, ये कहकर आप दीजिएगा और लिखवा लीजिएगा। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है वो अपने हिसाब से वो लेता है, तो कभी कभी डीएक्शन प्रोडक्ट छोड़ भी देता है, कुछ हो भी जाता है ना, जैसे एक शहर से दूसरे शहर गए, वहाँ के पानी हवा में थोड़ा बदलाव आई, कुछ नुकसान हो गया, तो सीधे दोष आप पे दे देंगे, आप पे ही, अपनी नहीं देखेंगे और कहेंगे इसी से हुआ है ना, या आपने कहा ही नहीं था कि अंग्रेजी दवाई लेना। ऐसे ऐसे लोग आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप उसे या तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा शुरू में जब बताइएगा, जब लास्ट में वो मुकरेत करना, देखो मैंने बोला था ना शुरू वाले दिन ही, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, तब वो कहेगा हाँ सही। अगर आप पर्ची पे लिखवा लेंगे तो भी एक अच्छा रहेगा
कि हाँ हमें अंग्रेजी दवाई के साथ ही इलाज करने के लिए बोला गया था। एक ऐसे ही किसी ने मुझे प्रश्न की बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो मैंने कहा आपको पहले बोलने, उसने कहा मैंने बोला था आप अपनी दवाइयाँ कभी मत छोड़ना, उसके साथ खाना, वो शुगर पेशेंट था है ना, मगर उसने देखा शुगर नॉर्मल है तो ले आई नहीं। ये ऐसे कुछ दिन चलता रहा, पता ही नहीं चला उनको, डीएक्शन प्रोडक्ट लेता रहा। एक दिन चला गया बम्बई, जब गया वहाँ एक महीना रहा, पानी हवा वगैरह जो भी चेंजिंग हुआ, खान पान में बदलाव आई, उसके अंगूठे में एक थोड़ा सा जख्म था वो थोड़ा बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते पस हो गया। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा जल्दी इसका इलाज कराओ वरना अंगुली कट जाएंगे। कहा नहीं मैं अपने शहर में जाके ही इलाज कराऊंगा। आया उंगली, वाकई में उसका कट गया शुगर से, डॉक्टर ने डरा दिया कर काट दो। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी सिर्फ उंगली ही कटी, आगे नहीं बढ़ी, ये ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आपका बढ़ा नहीं, वरना इतने दिनों तक तो आधे पैर खत्म हो गए होते। तो उसने बाद में सोचा कि ये उसी का काम होगा, डीएक्शन का ही प्रोडक्ट का, आरजीजीएल खा रहा था, स्पार्ना खा रहा था, ठीक है। तो मतलब फिर भी वो कह रहा है कि हमें आपने आपको बोलना चाहिए था, अंग्रेजी दवाई लेते रहना। जो उसको एक ने तीन लोगों ने बोला था, उसने बताया तीन लोगों ने बताया, मगर वो लेता ही नहीं था, कर मैं ऐसे नॉर्मल हूँ। अब बाद में जब हुआ तो कह रहा है कि आपने बोला नहीं था, तो ऐसा होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी पेशेंट को कुछ भी दें तो इंग्लिश दवाइयाँ साथ चलाते रहिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।